हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने फ्रिज का डीप क्लीनिंग और साथ ही किस तरह से मैंने इसको रीऑर्गेनाइज किया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही दिवाली की सफाई की कंटिन्यूएशन में बहुत सारी इस तरह की वीडियो आने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने फ्रिज की करंट हालत। और मेरा फ्रिज सैमसंग का 670 लीटर का ये फ्रिज है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसको फ्रीक्वेंटली बास्केट वगैरह निकाल कर क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। बट बीच बीच में मैं कुछ कुछ पोर्शन क्लीन करती रहती हूँ, बट इस टाइम पे काफ़ी सारा स्टफ़ है फ्रिज में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्लीन करना शुरू करते हैं फ्रिज को। सबसे पहले जो फ्रूट बास्केट है, अगर आपके उसमें एक है तो वो काफ़ी बड़े साइज़ की होगी। मेरे पास दो हैं फ्रूट और वेजिटेबल के अलग अलग बास्केट, तो सबसे पहले इसको वॉश करके हम ड्राई करने छोड़ेंगे और तब हम बाकी काम शुरू करेंगे। तो फ्रिज में से पहले मैंने सारा सामान निकाला, बास्केट खाली की, तो काफ़ी सारे लेमन थे, कुछ उसमें से ख़राब हो गए थे, कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में थे और कुछ बिल्कुल गल गए थे। तो इन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट किया, क्योंकि एक भी अगर गला हुआ रह जाएगा तो वो सबको ख़राब कर देगा। तो इस तरह से मैंने ये अलग अलग किया। और जो ये गले हुए लेमन है ना, इनसे भी आप क्लीनर बना सकते हैं, तो इनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, इनको हम क्लीनिंग के लिए कुछ यूज़ करेंगे। बास्केट में थोड़े से टमाटो थे, उनको भी मैंने प्यूरी बनाने के लिए अलग निकाल दिया है। लेमन्स को जो ख़राब हो गए थे उनको मैंने बॉयल करने रख दिया कुछ पानी के साथ में। और अब मैं एम्प्टी कर रही हूँ फ्रिज। यहाँ पर मैं सेक्शन वाइज सेक्शन क्लीन करूँगी, बट जो सामान है मेन फ्रिज में वो मैं सारा निकालने की कोशिश करूँगी। पहले उसको बाहर निकाल के रख दूँ, क्योंकि एक बार उसकी छटनी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है कुछ एक्सपायर हो गया या आपको नहीं यूज़ करना, पीछे चला जाता है बड़ा फ्रिज है, तो उसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत लंबा टाइम हो गया था मैं अपने फ्रिज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। फ्रिज की जो सेल्फ है उनको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, जस्ट 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून मैंने विनेगर डाला है। उसमें थोड़ा सा डिश सोप डालेंगे, सोपी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो सोप थोड़ा सा डालें और इसको मिक्स करके फिर एक स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, या इसी में किसी कपड़े को सोप करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्प्रे बॉटल में फिल कर दिया और साथ ही ले लिया है एक तरह का टावल छोटा सा। इसके बाद अब आप क्लीनिंग करना शुरू करेंगे। क्लीनिंग से पहले आप प्लग ऑफ कर दें, क्योंकि करंट रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा पानी तो जाता ही है फ्रिज में इस तरह से। तो ये देखिए सारी सेल्फ मैंने खाली कर दी थी, और ये सेल्फ ना काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो उनको अगर निकालते हैं ना बाहर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको रखने में। एक एक करके तो मैं कई बार क्लीन करती हूँ बीच में, बट एक साथ सारी क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ग्लास की हैं और टूटेगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इस बार मैं इनको, क्योंकि साफ़ ही लग रही थी, बस थोड़ा बहुत चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, तो उसी को मैं पहले इस कपड़े की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। और इस तरह से करते हुए ये कपड़ा भी काफ़ी गीला हो जाता है, तो काफ़ी जगह आपको स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी की हेल्प से सारी जो गंदगी है वो निकल जाती है। तो देखिए पूरा फ्रिज ऊपर से नीचे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। DIY क्लीनर को क्लीन करने के बाद हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और उससे अच्छे से पूरे फ्रिज को क्लीन करेंगे। फ्रिज में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी खुद ब खुद आने लगता है, क्योंकि ये हमने अभी बंद किया, तो थोड़ा पानी आता है इस तरह से ट्रे में, तो उसको इस तरह से सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पानी फ्रिज का आता है ना उसी से ही फ्रिज साफ़ हो जाएगा, और जो भी रेजिड्यू वगैरह है ना क्लीनर का वो सारा आपको क्लीन करना है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको क्लीन करें। मुझे बैक पेन का इशू है, तो मुझे इस तरह से बैठकर क्लीन करना काफ़ी
ठीक लगता है। और यहाँ पर जो फ्रूट बास्केट है वो खाली नहीं होती है कभी, तो यहाँ पर ही मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसमें एप्पल फिल किए थे क्लीन करके, तो उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। बस एक ही बास्केट को मैंने क्लीन किया है, ट्रेस को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसी ही ये क्लीन हो गई है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया इस तरफ का। थोड़ी देर फ्रिज को ड्राई होने देंगे ऐसे ही, और तब तक जितनी भी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी फ्रिज में, उनको एक बार देख लेंगे कि उसमें से क्या हटाना है, किस तरह से रखना है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इसमें कलर हैं, एसेंस हैं, केक के लिए जो हम लोग जेल कलर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इनमें देख लेंगे जो चीज़ जितनी बची हुई है उसको रख देंगे और बाकी की चीज़ें हटा देंगे। तो उसको मैं इस तरह से रख रही हूँ आगे पीछे कि जो चीज़ पहले यूज़ होनी है ना उसको आगे की तरफ रखेंगे, और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ है उसको फिर थोड़ा सा पीछे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह इसको क्लीन करके रखेंगे। बाकी की भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हटानी हैं वो सारी चीज़ें मैं पहले कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ एक्स्ट्रा हल्दी जो घर की आती है वो, साथ में बेसन, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ। सारी तो नहीं, बट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो जो ये नीचे वाला एरिया है इसमें सारी चीज़ें वही रखती हूँ। साथ ही जहाँ पे वेंट है ना उसको कवर कभी ना करें, अदरवाइज़ फिर उसकी कूलिंग में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, देखिए इस तरह से सीड्स वगैरह हैं, ये एक्स्ट्रा होते हैं कुछ, तो मैं बॉटल्स में भर के रखती हूँ। वो जो एक्स्ट्रा होती है ना उनको इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, दालें वगैरह। तो ये सारे मैंने इस तरह से बॉक्स में फिल करके रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। इसके अलावा डेट्स वगैरह हैं वो भी एक्स्ट्रा में लेके रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें सेकंड वाली सेल्फ में आ जाएंगी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें अरेंज की हैं। यहाँ पर जो ड्रॉर है हमारा, इसमें चीज़ वगैरह रखते हैं। यहाँ पे ये लज़ानिया शीट मेरे पास बच गई थी, उनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। पनीर, साथ ही चॉकलेट्स वगैरह, वो इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में मैंने रख दिए ताकि दिखती भी रहें और सेपरेट भी रहें बाकी चीज़ों से। इस तरह के जो छोटे छोटे ग्लास जार होते हैं जिनमें हमारे जैम्स या चटनी उस तरह के होते हैं, उसके लिए मैंने इस तरह का ये हैंडल वाली बास्केट ली है छोटी, उसमें हम रखेंगे तो निकालना आसान होता है। मिर्चे वगैरह इस तरह से टिश्यू पेपर में रोल करके मैं रखती हूँ। तो इस तरह से सेकंड जो सेल्फ है नीचे से, उसमें मैंने इस तरह सारी चीज़ें रखी हैं। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र हैं, काफ़ी अच्छे हैं, स्लीग हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने कोकोनट रखा हुआ फ्रेश, टमाटर, और नीचे है लेमन, और एक में ये हाफ कट जो लेमन थी वो मैंने कांच के बॉक्स में रखे हैं ताकि वो ईज़िली यूज़ हो जाए। इसके ऊपर वाली सेल्फ में यहाँ पे मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं। तो एक बास्केट ये है जिसमें ब्रेड वगैरह जो आती है वो रहती है, बटर है, नीचे चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें एक में रखती हूँ ताकि एक साथ ही बास्केट निकाल के यूज़ किया जा सके। इसके बाद इसमें कुछ चटनी, अचार वगैरह जो चीज़ें हैं ना वो इसमें रखी हुई हैं। यहाँ पर ये कॉफ़ी है, ये एक्चुअली ड्राई हो गई थी तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के रखा हुआ है, तो यूज़ करना है। दूध मैं इस तरह से कप में रखती हूँ, ये स्टील का कप है, जैसे कम रहता है दूध तो, वैसे भी हमारे कम ही आता है दूध, तो हाफ के जी जितना दूध इसमें आ जाता है इसको भी कवर करके रखा है। दूध और दही के नीचे मैं हमेशा इस तरह से एक कपड़ा ज़रूर रखती हूँ, ये मैट टाइप की है, तो ये जितना भी जैसे हम दूध बाहर निकालेंगे ना तो हल्का सा वो स्वेट जो करता है अगर दोबारा हम रखते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। चिली रखी है इस तरह से मैंने ओपन इस बार रखा है ताकि निकालना ईजी हो। टमाटो की मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने रख दी है। ऊपर वाला सेक्शन पूरा लेफ्ट ओवर फूड के लिए है जो कि बिल्कुल कम ही रहता है मेरे घर में। इसके बाद नीचे वाली बास्केट भी क्लीन हो गई थी, इसको मैंने लगा दिया है, और इसके अंदर जो भी रेगुलर हमारी वेजिटेबल्स आती है ना वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। तो इस तरह के ये कंपार्टमेंट्स इसमें मैं बना देती हूँ ताकि अलग अलग चीज़ें रहें। तो ये लेमन वाला भी, क्योंकि नीचे जगह थी, सब्जी अभी है नहीं, ऑर्डर करनी है मुझे, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे ही रख दिया क्योंकि जगह है। साथ ही यहाँ पे पपाया रख दिया है, और जो कैबेज था ये काफ़ी ड्राई भी हो गया था बट मैंने बाहर के पत्ते निकाल के इसको रख दिया है। तो बस अभी सब्जी यही है, जो भी ऑर्डर होके आएगी उस हिसाब से मैं इसमें सेक्शन ऐड कर देती हूँ। अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो वॉश के लिए निकाल दिए हैं। तो इस तरह से ये नीचे वाला ड्रॉअर भी हमारा रेडी हो गया। फ्रूट्स वाला इसी तरह से मेरा पूरा पैक ही है ऑलरेडी। अब आ जाते हैं डोर की तरफ। तो डोर में जितना भी सामान है सबसे पहले मैं वो निकालूंगी। डोर पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं 3 सोडा बॉटल हैं यहाँ पे जिनमें थोड़ा थोड़ा ही है, तो इनको भी एक में कर देंगे। और यहाँ पे जितना भी है ना ये यूज़ होता है तो नीचे दाग ज़रूर पड़ते हैं। पहले मैं टिश्यू पेपर इस पे लगाती थी बट वो भी काम नहीं करते, और ये ड्रॉर छोटी छोटी होती हैं तो मैं इनको निकाल के वॉश कर लेती हूँ ईजिली, तो मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो इनको भी निकालेंगे और फिर वॉश करेंगे।
जब तक ये ट्रे ड्राई हो रही है तब तक जो भी चीज़ें हैं ना जिनको हटाना है या रखना है उस हिसाब से मैं सेग्रीगेट कर दूंगी। तो ये सोडा बॉटल यहाँ पे दो में अच्छे से फिल हो गई हैं और एक हमारी खाली हो गई, तो काफ़ी जगह इस तरह से बन जाती है। साथ ही यहाँ पर ये ऑलिव्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके मैं रखूँगी ताकि सिमिलर चीज़ें ना एक जगह पर रहें। जैसे हमें अगर फ्राइड राइस बनाने हैं तो जो चीज़ें फ्राइड राइस में यूज़ होती हैं, जो सॉसेज यूज़ होती हैं, वो एक साथ रहें तो निकालना ईजी होता है। तो इस तरह से मैं करने वाली हूँ। इस तरह की छोटे छोटे कंटेनर में रखती हूँ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चॉकलेट वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अलग रखी हैं। पहले जो थे वो एसेंस थे, वो मैंने अलग जगह पर रखे हैं। ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये चॉकलेट जब हम बनाते हैं तो उसमें फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको मैंने सेपरेट रखा। अगर हम एक साथ रख देते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरा अलग ही रहता है और ये डोर पर ही मैं रखती हूँ। साथ ही ये रोज़ वाटर है, ये भी नेचुरल रोज़ वाटर है, तो ये मैंने अलग इस तरह से रखा है। नेक्स्ट जो बास्केट है उसमें कुछ अर्क वगैरह रखे हुए, जैसे तुलसी अर्क है और सौंफ का अर्क है। इस तरह से ये कई बार जब प्रॉब्लम होती है ना डाइजेशन वगैरह में तो उसके काम आते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है केसर, तो ये पहले वाला पैकेट अब ख़त्म ही होने वाला है, दूसरा मैंने रखा हुआ है तो अभी इसको इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से चीज़ों को अरेंज कर देंगे। एक बार यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्रे थी, मुझे लगा कि ये वाली अगर आ जाए ना ड्रॉर में तो बहुत इजी हो जाएगा, नीचे दाग वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसमें कुछ ये जो हेलपिनो में बना के रखती हूँ घर पर ही, वो सारी चीज़ें, घर पे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ एक्चुअली, तो फ्रिज में थोड़ा सा ज़्यादा मेरा स्टॉक रहता है। ये हेलपिनो वगैरह मैं घर पर ही बनाती हूँ सीजन में जब आती हैं, तो ये मैं दो बॉटल बना के रखती हूँ, अब तो एक ही बची है। तो अभी मेरी ये ड्राई हो गई थी ट्रे, तो अभी सारी चीज़ें मैं रखना शुरू करती हूँ। ऊपर सबसे पहले ये जो ड्राई हर्ब्स मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने बीट रूट पाउडर बनाया हुआ है और कुछ ड्राई चीज़ें, वो रखती हूँ जो कम यूज़ होती हैं। और उसके बाद नीचे वाले उसमें मैंने जो बड़ी ग्लास की बॉटल है ना वो रखनी शुरू की है इस तरह से। तो यहाँ पे जो फ्रिज है ना मेरा, इसमें जो बास्केट है वो काफ़ी आगे तक है, तो नीचे एकदम बेस में इसके कोई भी सेक्शन नहीं बना हुआ है, इस तरह ऊपर है, तो इनको भी आप ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया है। यहाँ पे जो ग्लास बॉटल है ना वो आपस में टकराए नहीं, खोलते बंद करते, क्योंकि डोर काफ़ी बड़ा है, तो मैंने ये पार्टीशन लिए थे ऑनलाइन जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे पहले, वो मैं लगा देती हूँ ग्लास बॉटल के बीच में, तो ईजी रहता है, वो आपस में टकराती नहीं है, चाहे दरवाज़ा आप कितना भी तेज़ शेक करें। अब तो घर में इतने छोटे बच्चे हैं नहीं जो इस तरह से करें, पर फिर भी जब बच्चे घर में छोटे होते हैं तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं, काफी यूजफुल रहते हैं, बॉटल एक दूसरे से टकराती नहीं और गिरती नहीं है। तो देखिए इस तरह से सारा सामान अरेंज भी हो गया है। पहले आपने देखा ना काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था, अब काफ़ी हर सेक्शन में थोड़ी थोड़ी जगह भी मिल गई है। इसके साथ ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नोट डाउन करना होता है, जैसे ये इमली वाली चटनी, ये मैं 6 महीने के लिए बना के रखती हूँ, तो ये अब ख़त्म होने पर ही थी, तो जितनी इसमें थी वो मैंने निकाल दी एक और कंटेनर में ताकि इसको अपकमिंग फेस्टिवल में यूज़ कर पाएँ और नया स्लॉट भी हम बना के रखें। तो इस तरह से इसको मैं रख दूँगी दूसरे जार में। फ्रिज की क्लीनिंग तो बाहर से मैं रेगुलर बेसिस पे करती ही रहती हूँ, और अभी जो मैंने किचन क्लीन की थी तब भी मैंने इसको बाहर से बहुत से क्लीन किया था, बट आपके साथ ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी। एक प्रोडक्ट ही है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे आप देखेंगे ना इस तरह के दाग लग जाते हैं जब आप डोर ओपन क्लोज़ करते हैं, तो ये है मैजिक स्पॉन्ज, ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने घर में दाग हटाने के लिए। ये एक्चुअली बहुत ही बारीक स्पॉन्ज है, नॉर्मल स्पॉन्ज से डिफरेंट है, मैजिक स्पॉन्ज के नाम से आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। इस तरह के कोई भी दाग होते हैं ना जो बिल्कुल हटते नहीं है कपड़े से, उसको आप बहुत ही ईजिली इससे कर सकते हैं, और इससे आपके जो भी जगह है ना उस पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, आपको दिख रहे होंगे ये दाग। इनको अगर आप ऐसे कपड़े से साफ करने लगेंगे ना या कोई क्लीनर भी ऐड करेंगे तो भी ये हटते नहीं है, और जैसे ही आप दोबारा टच करेंगे ना ये दाग फिर से आ जाते हैं। इसके लिए ये वाला जो मैजिक स्पॉन्ज है बहुत ही मैजिकली काम करता है। आप देखेंगे जरा सा आपको रब करना है और ये बिल्कुल आराम से एक्चुअली उस तरह से काम करता है जैसे रेगमार काम करता है ना, बट ये बहुत ही फाइन है तो कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, किसी भी अप्लायंस को क्लीन करना है या इस तरह से जो डोर वगैरह हैं जहाँ पर ज़्यादा ही आपके दाग आ जाते हैं उनको आप इससे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फ्रिज में इससे ही क्लीन कर रही हूँ अभी, और उसके बाद फिर एक माइक्रोफाइबर कपड़े से या कॉटन के कपड़े से आप पोंछ ले तो कोई भी धूल वगैरह भी नहीं चिपकती, क्योंकि ब्लैक पेन आप जितना साफ करेंगे धूल उतनी ज़्यादा चिपकती है, ये मैंने देखा है। तो ये वाले से करने से आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि एटलीस्ट हमने क्लीन किया तो वो क्लीन लग रहा है।
फ्रिज की बाहर से क्लीनिंग करने के साथ साथ फ्रिज के टॉप को भी आप इग्नोर नहीं करें। फ्रिज के टॉप को मैंने पहले क्लीन कर लिया था, उसके ऊपर जो कपड़ा था ना उसे हटा दिया था। आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस तरह से एक कपड़ा बिछाती हूँ। इसको ना क्लीन करना आसान रहता है, जब भी आपको अपना डीप क्लीन करना है उस टाइम पर आप इसको हटा दें और फिर बस इसको अच्छे, इसके ऊपर धूल भी कम चिपकती है और परमानेंट नहीं होती है। तो ये पहले मैंने एक दूसरा कपड़ा बिछाया हुआ था, अभी ये सोफे के जो कवर होते हैं ना ये मैंने डबल करके इसके ऊपर बिछा दिए हैं। साइड से मैं नहीं लटकाती हूँ, बस ऊपर ऊपर से कवर किया और एज इट इज़ इसको इस तरह से लगा दिया है। तो देखिए पूरा फ्रिज मेरा अंदर बाहर सारी तरफ से अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी मैंने दूध भी मंगवाया था तो उसको भी मैंने पैकेट को वॉश करके इस तरह से कंटेनर में रखा है ताकि नीचे दाग वगैरह नहीं पड़े। तो इस तरह से पूरा फ्रिज मेरा अच्छे से क्लीन हो गया अंदर बाहर से। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना सजेशन ज़रूर दें कि आप किस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर watching।